और पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों की बैठक में शामिल हुए प्रधानमंत्री मोदी। आंतरिक सुरक्षा पर मंथन हुआ है, कट्टरवाद राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा, ये एक पत्र में उस सम्मेलन जो बैठक हुई है यहां पर यह बताया गया। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में 3 दिवसीय पुलिस महानिदेशकों की सुरक्षा बैठक सम्मेलन में प्रधानमंत्री के अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और देश के करीब 350 शीर्ष पुलिस अधिकारी शामिल हुए। हाल ही में संपन्न हुई बैठक में पेश किए गए नोट, जो कि पत्र में कहा गया है कि कट्टरवाद विशेष रूप से मुस्लिम युवाओं में राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए प्रमुख चुनौतियों में से एक है और कट्टरवादी संगठनों का मुकाबला करने के लिए उदारवादी मुस्लिम नेताओं और धर्म गुरुओं को विश्वास में लेने की बेहद जरूरत है। भारतीय पुलिस सेवा के कुछ अधिकारियों ने लिखे गए नोट में कहा है, भारत में धार्मिक कट्टरता का प्रमुख कारण धार्मिक प्रथाओं में अतिविश्वास और संचार के आधुनिक साधनों का की आसान उपलब्धता है, जिसमें सीमा पार आतंकवाद और पाकिस्तान के इन कट्टरपंथी समूहों को प्रोत्साहित करना शामिल है। विशेष रूप से मुस्लिम युवाओं में कट्टरता देश की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण चुनौतियों में से एक है। भारत में कई कट्टरवादी मुस्लिम संगठन सक्रिय हैं जो मुस्लिम युवाओं को कट्टरवादी बनाने में शामिल हैं। इन संगठनों में मुस्लिम समुदाय को उकसाने की प्रवृत्ति होती है और उन्हें हिंसक रास्ते पर धकेला जाता है। इन्हें देखते हुए सामाजिक समरसता और राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में कट्टरपंथी संगठनों से निपटना प्राथमिकता होनी चाहिए, क्योंकि ये संगठन इस्लामिक सिद्धांतों और विचारों की कट्टर रूप से व्याख्या में लगे हुए हैं। साथ ही मुस्लिम समुदाय में पीड़ित होने की भावना भी पैदा करते हैं। इन संगठनों का तौर तरीका लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता जैसे आधुनिक मूल्यों के खिलाफ है। हाल ही में प्रतिबंधित किए गए पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई के साथ अन्य प्रतिबंधित मुस्लिम संगठन जैसे सिमी, वहदत ए इस्लामी, इस्लामिक यूथ फेडरेशन, हिज्ब उत तहरीर और अल उम्मा इस श्रेणी में आते हैं। पत्र में यह भी कहा गया है कि इन मुस्लिम संगठनों में पीएफआई सबसे शक्तिशाली कट्टरपंथी संगठन था, जिसे अब बैन कर दिया गया है। साल 2006 में गठन के बाद ये दक्षिण भारत स्थित 3 संगठनों के विलय से राष्ट्रीय स्तर के संगठन के रूप में विकसित हुआ था। तो ये सारी बातें पत्र में पुलिस अधिकारियों ने कही हैं कि किस तरीके से कट्टरवाद के जरिए जो कट्टरवादी संगठन हैं वो युवाओं को गलत रास्ते पर ले जाने का काम कर रहे हैं। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।